प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। धान की फसल में शुरुआत में ही लगने वाला कीट, जिसे हम पत्ती लपेटक कीट बोलते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं और उसकी रोकथाम कैसे की जाती है, किसान भाइयों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पत्ती लपेटक कीट जो है, जो हमारी धान की फसल को जो है पत्ती पे हानि पहुंचाता है, जिसे हम लीफ फोल्डर कहते हैं। लीफ फोल्डर का युवा कीट धान की पत्ती को अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है और पत्ती के किनारों को एक साथ रेशम के धागे से जोड़ देता है। लिपटी हुई पत्ती के अंदर ही पलते हैं और पत्ती पर सफ़ेद और पारदर्शी लंबी लकीरें बनाते हैं। पत्ती ऊपर से सफ़ेद दिखाई पड़ती है, यह कीट पत्ती को ऊपर से लपेट लेता है और सफ़ेद लकीरें खींचता है पत्तियों पर और पत्तियों को मोड़ देता है और धागे की तरह लिपटी हुई मुड़ी हुई दिखाई देंगी और लकीरें सी सफ़ेद पारदर्शी दिखाई देंगी। किसान भाइयों, इसके लक्षण और भी हम आपको बताते हैं। पौधे की जांच करें, छातीग्रस्त पौधे को पत्तियों पर लंबे पारदर्शी सफ़ेद लकीरें दिखाई देंगी। नालीदार आकार में मुड़ी हुई पत्तियाँ, पत्तियों की नोक कई बार मुड़ी में आधारीय भाग से जुड़ी हुई, अत्यधिक संक्रमित खेत बहुत सारी मुड़ी हुई पत्तियों के साथ झुलसे हुए लगते हैं। और किसान भाइयों, ये क्यों होता है? तो ये जो है हमारा पत्ती लपेट जो है खाद का भारी मात्रा में इस्तेमाल करती हैं, उससे कीड़ों में तेज़ी से बढ़ने में प्रोत्साहित करती है। खाद में अधिक आर्द्रता और छांव वाले इलाके और साथ ही धान के खेतों और आसपास के खेतों में खरपतवार की उपस्थिति जो है कीट के विकास में मदद करती है। किसान भाइयों, ये लीफ फोल्डर है जो है, ये कब होता है? तो यह धान के सभी परिवेश में होता है और वर्षा ऋतु के दौरान बहुत दिखाई पड़ता है और ये आमतौर पर छांवदार वाले क्षेत्र हैं वहाँ अधिक होता है, जहाँ खाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता हो वहाँ पर दिखाई देते हैं। और धान के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं ये वहाँ पर पूरा साल दिखाई देंगे, जबकि समतीक्ष्ण क्षेत्रों में ये मई से अक्टूबर के दौरान सक्रिय रहते हैं, उसके बाद जो उनका ख़त्म हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमें इसका प्रबंध कैसे करना है, इसका प्रबंध जो है, तो आप कार्टफ 50 SP का, इसके साथ लैम्डा साइलोतरन 5 EC का इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। आप 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ जो इसका स्प्रे कर से, इस पर आराम से आप जो रोकथाम इसकी कर सकते हैं। और एक आती है हमारी, अगर खाद में लेना चाहें तो हम खाद के साथ में कैलडान नाम से धानों का कंपनी का प्रोडक्ट आता है, जिसमें काटअप होती है, उसे जो है 7 से 10 kg प्रति एकड़ डालना है। खाद के साथ में पहली खाद मिलाकर डाल देंगे तो इसकी रोकथाम आराम से हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये जो हैं लीफ फोल्डर जो हैं हमारे धान की फसल की बढ़वार को रोकते हैं, पत्तियों को नुकसान बहुत पहुंचाते हैं, पत्ती जो है सफ़ेद पारदर्शी लकीरें लंबी दिखाई पड़ेंगी, जिससे हमारी फसल पर काफ़ी नुकसान होगा और फसल की जो है वृद्धि रुक जाती है। तो किसान भाइयों, अगर इसी के साथ आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।